नमस्ते सभी का। मैं नीरज हूँ, मैं एनएसएस कोऑर्डिनेटर हूँ आईआईटी कानपुर का। तो मेरी अवस्था जैसे कि ना, हम अपने बच्चों को कंधे पे बिठा देते हैं, उसको लगता है मैं बड़ा हो गया, तो मेरे साथ वैसे ही हो रहा है। मैं जस्ट एनएसएस कोऑर्डिनेटर हूँ, ठीक है। तो पर मुझे इसका पूरी मैं जानता हूँ कि मैं बच्चा ही हूँ, ठीक है। और मैं एनएसएस कोऑर्डिनेटर का नाते मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं इनको पूरा सहयोग दूंगा, और एनएसएस कोऑर्डिनेटर नहीं भी रहूँगा तो भी यूएचवी से जुड़ा रहूँगा। तो मेरा एक्सपीरियंस यूएचवी का, दो वर्कशॉप हमने किए थे लास्ट टू सेमेस्टर्स में। तो मैं तो एनएसएस कोऑर्डिनेटर भी, यानी मैं एक्सीडेंटल एनएसएस कोऑर्डिनेटर बना। तो जैसे सुबह दौड़ने जाता था तो एक प्रीवियस एनएसएस कोऑर्डिनेटर थे प्रोफेसर संगल, उनको लगा मैं एक्टिव हूँ, सुबह दौड़ता हूँ, तो इसको पकड़ा देते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया नहीं कि उन्होंने बोला कि तुम्हें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, तुम संभालोगे क्या। मैं बोला हाँ, आप बहुत दे रहे हो तो मैं आप पे विश्वास रखता हूँ, तो जो भी देंगे। मुझे लगा डिपार्टमेंट भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। फिर एक डायरेक्टर की तरफ से लेटर आता है कि तुम एनएसएस कोऑर्डिनेटर हो, तो ठीक है। तो उसके वजह से मैं आप सभी से जुड़ पा रहा हूँ, यही कहना चाहता हूँ। यूएचवी का एक मेल मैंने सर्कुलेट किया था, तो वो मेल रोशन और बाकी मनोरंजन ये ड्राफ्ट करके देते हैं, मैं सिर्फ फॉरवर्ड करता हूँ। तो उसमें एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि ये नहीं सिखाता कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो इससे मैं बहुत अट्रैक्ट ने खुद, यानी पहले वर्कशॉप में 4 दिन आधा किया, फिर दूसरे वर्कशॉप में फिर 4 दिन, ऐसे आधा करके यूएचयू का वर्कशॉप कंप्लीट किया है मैंने। तो बस यही कहना चाहता हूँ कि यानी 8 दिन आपके इस मार्गक्रमण में, ये जो सीढ़ियाँ है, मैं यही कहूँगा कि हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं बस अभी, और उनका, इन सबका हमें सहयोग मिलेगा इस मार्गक्रमण में। तो with this I just wish you all success and a very happy and healthy life ahead. Thank you. Thank you everyone. और सबसे मिलके बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, यानी मेरे संरक्षण में नहीं हुआ है, ठीक है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैं एक्सीडेंटल एनएसएस कोऑर्डिनेटर हूँ, और उसके वजह से यूएचयू से जुड़ पाया, ये मेरा सौभाग्य है, ठीक है। और मैं आई ट्रूली बिलीव दैट, सो थैंक यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। मैं अटेंड तो नहीं कर पाया वर्कशॉप, बट मैंने आपसे पहले भी बोला था कि मैंने यूएचयू के जो सेशंस होते हैं यहाँ पे 2 सेमेस्टर में, वो मैंने अटेंड किए थे, एक सेमेस्टर में आधा और एक सेमेस्टर में आधा, ठीक है। तो उसका बहुत सारा उपयोग तो नहीं बोलूँगा, पर आप जो भी लोग बात कर रहे हैं ना कि एक जीने की कला मिल गई है मुझे, तो मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। तो मैंने लास्ट यूएचयू वर्कशॉप में भी किया था, तो जनवरी में मेरी एक वाइफ की क्रिटिकल सर्जरी थी, एंड यानी तब डॉक्टर्स ने सब हाथ खड़े कर दिए कि बचेगी तो बचेगी, नहीं तो नहीं बचेगी। सो उस समय पे एज अ पर्सन, राइट, तो आप देख सकते हो कि लाइफ कितनी ट्रांजिएंट है, और वो सिर्फ 2 मिनट में हुआ। फॉर्चुनेटली हम उस समय हॉस्पिटल में थे, तो हम कुछ कर पाए, अगर हम यहाँ पे भी होते तो कुछ नहीं कर पाते। सो दैट टाइम आई रियलाइज दैट लाइफ इज़ वेरी ट्रांजिएंट, लाइक इफ यू आर लुकिंग एट सम पर्सन एंड दैट पर्सन मे वैनिश विद इन अ टाइम, राइट। एंड देन वो एक रिफ्लेक्शन जब आता है ना, आप जब सब लोग बात कर रहे हैं ऑब्जर्वेशन की, तो वो ऑब्जर्वेशन वहाँ पे मुझे क्लिक किया, ठीक है। यानी मैंने सुने तो थे वर्कशॉप में, बट जो अनुभव होता है, जो प्रत्यक्ष अनुभव था, वो उस समय पे हुआ कि ये जो मेरी पत्नी है, मैं उसको देख रहा हूँ, ये कौन है, ठीक है। सो इज़ इट ऑल माई इमोशंस और इज़ इट सम पर्सन, राइट। तो वहाँ पे जाके थोड़ी बातें समझ में आई, जो मैं अभी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, वो सब अनुभव से ही आपको मिलेगा, और आप जब ऑब्जर्व करोगे वो अनुभव अवर्णनीय रहेगा। मैं अभी एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ कि सामने वाला इंसान कौन है, ठीक है, और मैं कौन हूँ। तो मुझे भी एक क्वेश्चन आता है कि मैं कौन हूँ,
ठीक है। और मैं जब मैं खुद के एक्शंस देखता हूँ तब मुझे पता चलता है कि ये चीज़ें मैं नहीं हूँ, ठीक है। तो मोस्टली थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड था तो कुछ कुछ चीज़ें पहले से ही थी, जैसे आपने एक शंकराचार्य जी का एक सुना होगा, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, तो उसमें वो कि मैं कौन हूँ, तो वो ये ही नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे कि मैं कौन हूँ, वो ये बोल रहे कि मैं ये चीज़ नहीं हूँ, ठीक है। तो हम वही कर पाते हैं कि हम खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, हम सिर्फ ये बता पाएंगे कि हम क्या नहीं है। तो ये एक मेरा क्लोज एक्सीडेंट था लाइफ के साथ जो मुझे लाइफ ने बताया था। तो UHV के दो वर्कशॉप मैंने किए तो उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं भी मैं UHV से और जुड़ूंगा। तो कल राय साहब भी थे वहाँ पे, तो यानी मैं हॉस्पिटल में उसी के लिए आया था। तो हम रेगुलर चेकअप के लिए रात में ही जाते हैं कि जब कोई ज़्यादा भीड़ ना हो। तो बट वही है कि आप यानी जो ऑब्जर्वेशन आपकी जो बात कर रहे हैं वो मुझे बहुत उसका बहुत इम्पोर्टेंस है लाइफ में, बहुत इम्पोर्टेंस है। UHV एक स्ट्रक्चर्ड वे से आपको बता रहा है कि लाइफ इज़ वेरी ट्रांजिएंट, सो वी शुड नॉट वेस्ट अवर टाइम एक्चुअली। सो इवन इफ दैट रियलाइजेशन इज़ देयर इन यू, आई थिंक दैट विल हेल्प यू अलॉट। और एक चीज़ आप लोगों ने जो बोली मुझे बहुत अच्छी लगी कि ऐसा नहीं कि सिर्फ आप खुद को ऑब्जर्व कर रहे हो, यू आर थिंकिंग ऑफ वर्ल्ड आउटसाइड एज वेल, राइट। तो यू आर ट्राइंग टू हेल्प पीपल अराउंड यू एंड दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। सो जैसे एक और एक संस्कृत में कपलेट है, आत्मबोधाय जगत हिताय च, यानी आत्म का बोध करके जगत का हित करे, ठीक है। वो एक पार्ट मुझे UHV का बहुत अच्छा लगता है कि यू आर जस्ट नॉट थिंकिंग ऑफ यूर सेल्फ बट यू थिंक ऑफ अदर्स एज वेल। सो आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू हैव यू और टू हैव माई सेल्फ इन अमंगस्ट यू, ओके। एंड इवन मैं NSS का कोऑर्डिनेटर नहीं रहूँगा तो भी मैं यहाँ पे आऊँगा, ज़रूर आऊँगा, ठीक है। थैंक यू।